तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं? तो आप लोग, उम्मीद करता हूं भाई सभी अच्छे होंगे। और भाई सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं अभी आ गया था खेत में पानी देने के लिए, जो कि हमारा खेत छोटा सा टुकड़ा है जो आधा घंटे में भर जाता है। उसमें पानी देने के लिए हम दूसरे अपने पड़ोसियों से पानी मांगते हैं, जो हमारे पड़ोस में खेत होते हैं उनसे हम पानी लेते हैं, तो वो भी भाड़े पर पानी लेते हैं। तो उससे अब हम हमारा छोटा सा खेत है उसको हम पानी भाड़े पर लेकर भर देंगे और मैं इसको भरने के लिए आया हूँ और यहाँ से चल के घर बताऊंगा। और गाइज देखो, सीधी सी बात मैं ये बताता हूँ, मैं आगे का पहले ये डिसाइड करके नहीं बताता कि भाई आज मैं क्या करने वाला हूँ। पूरा दिन है मेरे पास, बहुत काम होते हैं और भाई जिनके पास काम नहीं होते, जो ठाली होते हैं ना, उनको दूसरे के काम काम नजर नहीं आते। बताओ ये बात सत्य है कि नहीं है? सत्य बात है। और भाई अभी समझ रहे हो है? और भाई यहाँ से जाने के बाद, पानी भरने के बाद पता चलेगा घर पे और क्या क्या काम है। शायद आज मैं मिट्टी भी लेके आ सकता हूँ अपने भैंस और गायों के लिए, अपने घर में 2-3 थैलियाँ। और भाई फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद आज एक ताला भी तोड़ना है। ताला किस चीज़ का तोड़ना वो मैं बताऊँगा आपको। उसके 20,000 रुपये हो गए मेरे, लेकिन वो दे नहीं रहे। वो एक कमरा है और उससे दमादम बात हो रही है, वो कह रहा है जो आपको करना है करो, मैं तो आऊँगा नहीं, क्योंकि 1.5 लाख रुपये का उसके ऊपर कर्जा है यहाँ पे तो, और यहाँ से कम 600-700 किलोमीटर दूर उसका गाँव है, तो वो बंदा नहीं आने वाला। क्योंकि जो बंदा यार जिसे मैं बात कर रहा हूँ सही तरीके से बात ही नहीं कर रहा है, रिप्लाई ढंग से नहीं दे रहा है, तो सीधी सी बात है, मैंने तो उससे आज से 2 महीने पहले ही कह दिया था भाई मैं तेरा ताला तोड़ रहा हूँ, मेरे को मेरी पेमेंट भिजवा दो, या तो 1 साल हो गए वो। तो उस बंदे ने ये कहा ठीक है भिजवा देंगे, मैंने तारीख बताओ, तारीख नहीं बताई उसने। तो भाई आज फाइनली मेरी उससे अब लगातार कुछ दिनों से बात हो रही है, तो वो बंदा तो ये कह रहा है मैं तो सोच के बैठा हूँ कि आपने ताला तोड़ दिया। अभी बज चुके हैं 10:30 और भाई मैं लेके जा रहा हूँ पाइप सिर पे धर के, 3 पाइप है और भाई छोटा ही खेत था जो कि हमारा 1 घंटे में भर जाता है, वो मैं भर के अभी ये पाइप सुबह ही लेके आया था और अब मैं लेके जा रहा हूँ। और अब घर जाके नहाऊंगा धोऊंगा, फिर उसके बाद देखता हूँ गाइस क्या काम है घर के, फिर वो काम फ्री करने, फिर उसके बाद हो सकता है आज मैं भिवाड़ी जाऊँ अपनी धनों को लेने के लिए, क्योंकि वो 2-3 दिन से सिस्टर लड़के है, तो आज मैं सोच रहा हूँ उसको ले आता हूँ। अरे गलगी नाड़ में गलगी भाई। तो गाइज मैं बाद में मिलता हूँ अब। चलो गाइज मैं नादो के हो चुका हूँ ऑल सेट और भाई 1:45 का टाइम हो चुका है। अभी बोला था बोलो भाई इनको बढ़ने दे और ये भाई यहाँ तक आ चुके हैं और मेरे को करते हैं अब गर्मियों में थोड़ा थोड़ा इरिटेट, और ये पीछे चुटल्ली तो बनी नहीं इसकी, तो ये भाई अभी थोड़ा और बढ़ाने पड़ेंगे। तो कई बार ऐसा मन में आता है कि इनको मैं कटवा दूँ, लेकिन नहीं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। और गाइज अभी चलते हैं भिवाड़ी सिस्टर के पास और वहाँ से मैं लेकर आता हूँ अपनी प्यारी धनों को, जो कि उसकी सर्विस भी करवानी है। मैंने सोचा था सर्विस हो गई होगी, लेकिन सर्विस नहीं हुई, सर्विस करवानी है। तो चलिए गाइज अभी मैं ऊपर से डाल लेता हूँ गर्म और अब बस से जाएंगे और फिर अपनी गाड़ी से आएंगे। और चलो बहन जी के लिए दूध वूध डाल लेते हैं। मम्मी पता नहीं क्या फ़ोन पर लग रही है, बहन जी के साथ ही बात कर रही है शायद। तो ये भाई ये हो जाएंगे शायद थोड़े थोड़े धीरे धीरे, अभी तो लग जाएंगे, गर्मी आ जाएंगी इतने, फिर इनको बांध के रख लेंगे अपन। घर से निकल चुका हूँ और भाई मैंने ले लिया इसमें दूध छाए की सारा जो सामान है जो कि बहन जी को देना है। और भाई अभी यहाँ से लिफ्ट लेंगे और अहिंसा सर्कल तक और वहाँ के बाद पकड़ेंगे अपन लोक परिवहन या फिर रोडवेज, तो देखते हैं क्या मिलता है और कितने बजते। तो अभी 1 बज चुका है और मेरे को 3 बजे तक वापस आना है, क्योंकि जो अपनी गाड़ी में पीछे डेंट हुआ था वो मेरे को ठीक कराना है आज की आज ही, अगर टाइम बचा तो मैं आज ही करा लूँगा, नहीं तो देखते हैं फिर। और शाम को फिर वो रूम भी देखना है मेरे को, वो क्योंकि किराएदार आया नहीं है, पूरे 1 साल हो गया वो आएगा भी नहीं। तो गाइस मैं फाइनली अभी पहुँच चुका हूँ बहन जी की सोसाइटी में और मैं पहले उनको देता हूँ ये सामान जो कि मैं घर से लेके आया हूँ, और फिर अपनी गाड़ी लेते हैं और फिर मैं चलता हूँ एक जगह, मेरे को एक बंदे से भी मिलना है, एकदम फ़ोन आ गया, चलो सही टाइम पर फ़ोन आ गया उनका भी, तो उनसे भी मिलके और मैं अपना वहाँ का काम फ्री कर लेता हूँ। सो चेक दिस आउट गाइस, अपनी धनों खड़ी है यहाँ पे, जिसका जो है ना डेंट, मेरे को ये ठीक कराना है। तू यहाँ आके क्यों लटक रही है? अरे भाई धूप में खड़ी थी। और फोन यो पीछे अंदर रखो तो कोई ठाले जाओ, तो फोन पे बात कर रही थी, भीड़ लगा के फोन हो लेता। अब फोन से कोई ले जाओ, जब कनेक्शन टूट जाए जब पता चलतो है। चेक दिस आउट गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ घर और बहन जी मेरे को यहाँ छोड़ ना, इधर मन ना लगा दिख बैठ ले। तो बैठ ले कह रहा हूँ मैं, पानी पानी आ गया, देख धूल कितनी जम गई थी, तो ये साफ तो करनी पड़ी है। चल ठीक है, बाय बाय बाय, हट जा। इज आउट गाइस, अभी भाई अपनी को यार कर देंगे ठीक हो, ये इसमें भी लगी थी। हाँ Thank you.
इस पर मैंने गर्म पानी भी डाला था। गर्म पानी से तो हो जाता जल्दी, हो जाता, लेकिन उस टाइम पहले जैसे फिनिशिंग तो नहीं आएगी, आ जाएगी, बम्पर ही बदलना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अपने को ये पूरा बम्पर ऐसी रखने के लिए तो नया ही लगवाना पड़ेगा, और फिर नया लगवाएंगे तो पहले इसमें और थोड़ा सा डेंट पेंट हो जाने दो, उसके बाद ही पूरे इस पर क्लेम उठा लेंगे। जिस जो भी पार्ट अपने को चेंज करवाने होंगे, कोई सा पार्ट चेंज करवा सकते हैं क्लेम के अंदर? लाइट थोड़ी बदल जाएगी, बदल जाएगी लाइट, क्या फायदा क्लेम बदला के? हजार रुपए की लाइट है, हजार रुपए का चार्ज लग जाएगा। नहीं फिर लाइट बम्पर वगैरह और चेंज करवा लो, और फिर मैं डिग्गी डिग्गी भी चेंज कराने की सोच रहा हूँ, स्पॉइलर हट जाएगा फिर। लग जाए नहीं, फिर मेरे को लगवाना नहीं, स्पॉइलर हटाना ही है, मॉडिफिकेशन करवाना है ना। जब भी स्पॉइलर को लगवाओगे स्पॉइलर से जचेगा नहीं, नहीं सही है वैसे, ये तो खुल जाएगा अभी भी, पर इसमें छेद रहेंगे ना, फिर छेद रहेंगे तो बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे तो चलो फिर तो ठीक है। वैसे जो पार्ट अगर अपन क्लेम में उठाएंगे तो वो वाले पार्ट नहीं आएंगे जो आने चाहिए, गाड़ी के साथ के बढ़िया रहते हैं ना। ना वही आएंगे, कोई डिफरेंट नहीं होता। चलो ठीक, देख रही कि पीछा ने टच ही हो जावे अभी उठवाए तो इसमें मतलब वो वाली फिनिशिंग नहीं है जो फिनिशिंग आनी चाहिए थी। लाइट वैसे तो 1200 रुपए की बता रहे हैं पाजी, तो दोनों लाइट अगर मैं करवाता हूँ तो दोनों लाइट मेरी होती है 2400 रुपए में, और गाइस बम्पर भी खराब हो चुका है, तो मैं इस बम्पर को पीछे वाले को सोच रहा हूँ कि क्लेम उठा के और लाइट और बम्पर दोनों ही सही करा लेता हूँ, तो देखता हूँ अभी पहले मैं सर्विस कराता हूँ। अपन ने अभी मैंने ये उठवा के देखा तो वो वाली फिनिशिंग वाली बात नहीं है गाइज, और मैं थोड़ा सा गाड़ी में मॉडिफिकेशन कराने की भी सोच रहा हूँ। आउट गाइज, अभी अपनी गाड़ी कुछ ऐसी लग रही है, और भाई इसमें है ना इधर से ये निशान है और यहाँ पे भी ये निशान हो गया, और इधर से भी ये पूरा सेट नहीं है, और इधर से ये पूरी लाइट तो टूटी गई है, और भाई इधर की साइड भी ये लाइट अपनी पहले टूट गई थी, तो दोनों लाइट और ये बम्पर मैं सोच रहा हूँ क्लेम में करा लूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कराने की भी सोच रहा हूँ। ये जो स्पॉइलर लगा हुआ है मैं इस स्पॉइलर को भी हटवाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये भी हिलता है, तो देखते हैं गाइस क्या करना है इसमें।